आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। बसपा प्रमुख मायावती ने आज विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बता दें, नागरिक निकाय चुनाव में बसपा का जो भी प्रदर्शन है उसके आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बीएसपी ने इस बैठक में रसड़ा विधानसभा के विधायक उमाशंकर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि बसपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ी है, इसके बावजूद भी हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लगता है नगर निकाय चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं रही, ये एक बड़ा विषय होगा। नहीं, देखिए दो चीजें हैं, हम लोगों ने बहुत देखने को मिला है, जिसमें हम बेहतर परफॉर्म किए हैं। अगर पूरा देखा जाए, इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से, अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी। अब सहारनपुर में अखिलेश जी दो बार गए और वहाँ पर उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2,00,000 मिल रहा है, इसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। वैसे से सब चीजों पे चर्चा होगी, प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन है। अब तो पहले बैठक हो जाए, उसके बाद बताएंगे ना। अभी तो बैठक में समीक्षा होगी, हम मैंने किन सीटों पे किस वजह से मतलब हारे, हार का क्या कारण था, जीते तो उसमें हमारी और हमें मुझे बेहतर क्या करना चाहिए, लोकसभा के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सब सारी बैठक के बाद ही तय हो पाएगी। थैंक यू, ठीक, धन्यवाद। आपको बताया कि मायावती ने आज विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी मायावती ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करी है। इसमें 2024 में क्या रणनीतियां 2024 लोकसभा चुनाव में विजय श्री प्राप्त करने के लिए की जा सकती है और ऊपर से नीचे जमीनी स्तर पर किस तरह से काम किया जा सकता है, इसको लेकर भी मायावती ने आज अपने पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 2024 की रणनीतियों को लेकर नागरी निकाय चुनाव में बसपा का जो भी प्रदर्शन रहा उसके आधार पर भी 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। बीएसपी ने इस बैठक में रसड़ा विधानसभा के विधायक उमाशंकर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान बीएसपी उमाशंकर सिंह का बयान भी सामने आया। उमाशंकर सिंह ने कहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हमने बेहतर परफॉर्म किया है और समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ी है, लेकिन उसके बाद भी बसपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है, ये उमाशंकर सिंह का कहना है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सुप्रीमो मायावती लग चुकी हैं और इसी के तहत उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज बसपा की अहम बैठक हो रही है और इसमें आज प्रदेश भर के पदाधिकारी लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें 2024 लोकसभा को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी और निर्देशित किया जाएगा कि कैसे हम 2024 में विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं, इसके लेकर क्या जानकारी आपके पास इस समय आ रही है। देखिए मनीष, जिस समय हम बसपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश भर के जो है पदाधिकारी है, चाहे वो मंडल प्रभारी रहे हो या फिर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा हो या फिर एकमात्र जो विधायक बसपा के हैं बरिया के रसड़ा के उमा शंकर सिंह, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस बैठक में शामिल है और मायावती की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो रही है। इस समीक्षा बैठक में निकाय चुनाव की हार की जिम्मेदारी तय हो रही है कि क्या कुछ वजह रही कि निकाय चुनाव में 2017 की से बाद से लगातार बुरा प्रदर्शन रहा है। आपको बता दें कि 2017 में बसपा ने 2 नगर निगम की सीटों पर कब्जा किया था, कई पार्षद प्रत्याशी बसपा के जीते थे, लेकिन इस बार उसका प्रदर्शन जो है काफी निराशाजनक लगा है और 17 नगर निगमों की सीटों में एक भी सीट जो है वो बसपा जीत नहीं पाई है। पिछली बार 2 सीट मेयर की उसके खाते में थी, लेकिन इस बार उसका खाता भी नहीं खुला है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 17 सीटों पर क्लीन स्वीप हासिल की। अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी कि जो राजनीतिक जमीन है वो अब उत्तर प्रदेश से खिसक चुकी है और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लगातार हर चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है और उसके जो प्रदर्शन में गिरावट आ रही है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आज तय होगी किस प्रकार से आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूती से अपनी रणनीति बनाती है कि उसके वोट परसेंटेज में इजाफा हो और लोकसभा में
ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो जीत सके। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि बसपा का जो पूर्व वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी को सालों से वोट करता रहा है, और वो पूर्व वोटर जो है वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों की तरफ शिफ्ट हुआ है, कैसे उस पूर्व वोटर को वापस अपनी पार्टी के लिए उपयोगी साबित किया जा सकता है, किस प्रकार से उनके दम पे जो है लोकसभा में सीटें हासिल की जा रही है। तमाम रणनीति जो है अंदर बन रही है, बसपा कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, जिस प्रकार से समीक्षा बैठक चल रही है, कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय जो है वो बसपा सुप्रीमो लेती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि समीक्षा बैठक में क्या कुछ तय हुआ, किन पे जिम्मेदारियां तय हुई, निकाय चुनाव में वो क्या ऐसी कमियां थी जो बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है वो खराब साबित हुई, जिस प्रकार से प्रदर्शन निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। आज एक आम बैठक मायावती ने बुलाई है और तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद है, तमाम दिशा निर्देश जो है मायावती बसपा सुप्रीमो देखती हुई देखी जा सकती है। और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में किस प्रकार से अपनी पुख्ता तैयारी करेगी, यह रणनीति जो है इस बैठक में बनाई जा रही है। विवेक, रसला विधानसभा के विधायक उमाशंकर सिंह भी वहां मौजूद रहे, उन्होंने भी बीएसपी के इन बयान के जो बयान इसमें दिया था उस पर भी उन्होंने अपना सांत्वना दिया है कि हम भी आगे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रयास करेंगे कि हम उसको भी विजयशील प्राप्त कर सके। इसको लेकर उन्होंने अपनी क्या रणनीतियां दिखाई हैं या क्या बोला उसमें बयान दिया? विवेक जी, बिल्कुल मनीष, जिस प्रकार से उमाशंकर सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी दोनों ने मिलकर यह निकाय चुनाव लड़ा है और बसपा ने अकेले दम पर यह निकाय चुनाव लड़ा है। जिस प्रकार से उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कहा है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है निकाय चुनाव में बेहतर हुई है और आने वाले समय में हम लोकसभा चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। उनका दावा है कि जिस प्रकार से लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बढ़िया था, लेकिन आने वाले समय में 10 महीने का समय शेष है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में सभी पार्टियां जो है पुख्ता तौर पर तैयारियां कर रही हैं और बसपा ने आज एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई है जिसमें तमाम दिशा निर्देश मायावती के द्वारा दिए जा सकते हैं कि किस प्रकार से लोकसभा में अच्छे तरीके से कमबैक करना है और जो अपना कोर वोटर है उसको साथ लेते हुए अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें जो है वो बसपा जो है जीत सके। अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से पिछले 2 लोकसभा और चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है प्रचंड बहुमत से केंद्र की सरकार केंद्र की सत्ता में शामिल है और तमाम जो विपक्षी है वो काफी नदारद रहे हैं दोनों लोकसभा चुनाव की। अगर बात करें तो ऊपर से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कुल 80 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ती रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है और इन 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो मजबूती से लड़ने के लिए प्लानिंग कर रही है। समीक्षा बैठक में काफी कुछ आज तय होना है, किस प्रकार से इन 80 सीटों पर मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाए, जिताऊ प्रत्याशियों को उतारा जाए, क्योंकि इस बार के निकाय चुनाव में बसपा ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो दिए है और सपा का खेल कहीं ना कहीं जो है कई सीटों पर जो है वो बिगाड़ा है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि बसपा जो है अब दलित मुस्लिम गठबंधन को साथ लेकर जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरने की पुख्ता तैयारी कर रही है। विवेक, प्रदेश भर से समय बसपा के पदाधिकारी यहां पे उपस्थित हो चुके हैं और इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने वैसा बताया कि क्या निर्देशन उनको मिल सकता है आगे 2024 की लोकसभा के लिए, क्या उनसे उनसे आपकी कोई बात हुई इस पे? देखिए, सभी पदाधिकारी ने इसके पहले बोले समीक्षा बैठक के बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने में पता चलेगा कि इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ, क्या कुछ निर्देश जो है बसपा सुप्रीमो के द्वारा दिया गया, ये बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि जो बैठक चल रही है वो लगातार इस बात पे हो रही है कि निकाय चुनाव में क्या कुछ कमियां रही, पार्टी का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था, जिस प्रकार से 2017 में 2 मेयर सीट बसपा के खाते में गई थी लेकिन इस बार बसपा का खाता तक नहीं खुला था। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी और किस प्रकार से दलित और मुस्लिम का खेलकर बहुजन समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में पुख्ता तरीके से अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और अपने वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले इजाफा करने की प्लानिंग भी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो लड़ाई लड़के जो है वो जीत सके और कहीं ना कहीं अपनी एक मजबूत पैच जो है वो बना सके, जिससे उसकी जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में वो उठ सके और बेहतर स्तर पे जाके पहले की तरह बेहतर स्तर पे बहुजन समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है वो
फाइट है, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए पिछले अगर चुनाव के स्टैट्स और आंकड़े उठा के देखा जाए तो लगातार बसपा का प्रदर्शन जो है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, चाहे इस नगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, हमेशा से ही निचले स्तर पर जाता रहा है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बसपा जो है अपनी राजनीतिक जमीन जो है उत्तर प्रदेश में अब वो खो चुकी है। विवेक, अगर प्रदेश में प्रदेश की राजनीति में दखल मायावती का देखा जाए तो उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती नजर आ रही है प्रदेश में, तो क्या 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 ऐसा दिशा निर्देश अपने पदाधिकारियों को दे सकती हैं जिससे कि प्रदेश में 2024 में वो निकल कर आ सके बाहर, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके पहले सबसे पहले कि बसपा सुप्रीमो को खुद जो है वो मैदान पे आना होगा और खुद जो है पहले की तरह उनको फील्ड पे एक्टिव होना होगा, इससे बसपा को फायदा होगा, कार्यकर्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि जो बड़ा नेता जो है वो खुद फील्ड पे आकर जो है वो करता है, जनसंपर्क करता है, लोगों से मिलता है, अपनी बात रखता है, पार्टी की विचारधारा रखता है, तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उससे मोटिवेट होते हैं। हमने देखा है किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर नगर निकाय चुनाव की जिम्मेदारी ली थी और ताबड़तोड़ जनसंपर्क और अभियान से वो चलाया था, जन अभियान चलाया था, तमाम जगह पर उन्होंने रैलियां की थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तारीफ की अपील की थी, लेकिन मायावती इस नगर निकाय चुनाव में कहीं भी फील्ड पर नजर नहीं आई है, जिसका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा है। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है कि मायावती फील्ड को उतरती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार साख की सवाल है, बसपा की साख की सवाल है कि बसपा कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है, लोकसभा के कई मेंबर वो दे चुकी है, लेकिन इस बार स्ट्रेंथ के देखा जाए तो पिछले कई चुनाव में लगातार बसपा का प्रदर्शन गिरता ही जा रहा है। विवेक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिएगा इसी पे। आपको बता दें कि सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में आज बैठक की समय चल रही है, इस बैठक में 2024 लोकसभा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए जाएंगे जिससे कि 2024 में एक भारी बहुमत के साथ बीएसपी सामने आ सके, और इसी के तहत क्या रणनीति बनने वाली है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है और कैसे जमीनी स्तर पर जाकर अपने बूथ कार्यकर्ताओं तक भी किस तरह से जनता के साथ संपर्क करके उसको विजय श्री को प्राप्त करने के लिए पूरा योगदान देना है, इस पर सारी रणनीतियां बनाती हुई नजर आएंगी। साथ में निकाय चुनाव में जो अप्रत्याशित तौर पे पराजय का सामना करना पड़ा है बीएसपी को, इससे भी मायावती ने एक सबक जाहिर सी बात लिया होगा और इस सबक के बाद अब मायावती आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी के तहत उन्होंने प्रदेश भर के पदाधिकारियों को इस मीटिंग में बुलाया है जिसके तहत वो आगे की रणनीति बना सकें और मजबूत स्थिति में प्रदेश में निकल कर आ सकें। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की तैयारियां तेज होती जा रही हैं, वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बीएसपी व्रज और गोरखपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक करेगी। आज बीजेपी की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि आज गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में का उद्घाटन भी होगा। गोरखपुर में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। आज आयोजित होने वाली है क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम ये किया जा रहा है, इस कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठकें करेगी बीजेपी। आने वाले समय में देश के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं और इन 9 सालों में जो भी कार्यक्रम हुए हैं या जो भी योजनाओं को जामा असली जामा पहनाया गया है उन योजनाओं को लेकर जनता के पास जाएंगे, जनता को पीएम मोदी की इन योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और उनसे कहीं ना कहीं टोल फ्री नंबर के माध्यम से जनता के साथ सीधे बीजेपी को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। इस खबर पर संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इस पर कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी इसका हिस्सा बन रहे हैं और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इन बैठकों के दौर में कहीं ना कहीं 9 साल में जो भी कार्यकाल या जो भी काम हुआ है उसको कितना असली जामा पहनाया गया है और जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर जनता को उसका अवगत कराया जाएगा और आगे की तैयारियां की जाएंगी 2024 में जनता को अच्छे तरह से पता चल सके कि बीजेपी के कार्यकाल में क्या क्या किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? विमांशु, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद विमांशु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो आपको बता दें कार्यक्रमों की तैयारियों के लेके बीजेपी ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक करेगी। आज बीजेपी की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर जो भी योजनाएं थी, उन योजनाओं को कैसे पूरा किया गया, उन योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिला है, ये सारी जानकारियां आज जनता तक पहुंचाने का एक खाका बनाया जाएगा। इस खबर में संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, ब्रज और गोरखपुर में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी शामिल होंगे, पदाधिकारी भी शामिल होंगे इसमें, और मोदी 9 साल के मोदी कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हुई हैं, जो भी योजनाएं को असली जामा पहनाया गया है, उन योजनाओं को लेकर भी जनता के पास पदाधिकारी जाएंगे और जनता को इन योजनाओं से अवगत कराएंगे, ताकि 2024 की लोकसभा के आने वाले चुनाव में उनको अप्रत्याशित बहुमत और जीत मिल सके। ये क्या रणनीतियां के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो देश के प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियों को गिनाने के लिए आम जनता के बीच जाएंगे। साफ तौर से अगर देखा जाए तो एक कार्यक्रम के तहत 9 साल के भीतर जो भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान काम किया गया है उसे आम जनता के बीच संवाद स्थापित करेंगे और आम जनता से चर्चा करेंगे। इसको लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, जहां एक तरफ पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र का उन्हें जिम्मा मिला है और वहां के पदाधिकारियों के साथ मिलकर, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार में अगर बात की जाए तो तमाम जो कानून है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर में स्थापित किए गए हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो धारा 370 हो या बात करें जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को एक बेहतर लाभ मिलते हुए दिख रहा है, इन तमाम योजनाओं पर और तमाम कार्यों पर बात करते हुए नजर आएंगे। मनीष जी आपको बता दें कि जहां एक तरफ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र का जिम्मा उन्हें दिया गया है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताएं कि आज अगर बात की जाए तो तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच जाकर और 9 साल की उपलब्धियों को लेकर एक श्वेत पत्र भी आम जनता को देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें मनीष जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें प्रधानमंत्री की जो चाबी होती है वह उत्तर प्रदेश से होके जाती है, चूँकि क्षेत्र में जनसंख्या के मुताबिक और साथ ही साथ देखा जाए तो लोकसभा सीटों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का सूबा है और 80 सीटें यहां से कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में पार्टियों को यहां से तैयार करके भेजती है। उसी क्रम में आपको बताएं कि बीजेपी लगातार अगर देखा जाए तो 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में एक बेहतर रिजल्ट ले आई, जिसका नतीजा है कि दो बार से लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। और वहीं अगर बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल तमाम दावे कर रहे हैं कि हम लोकसभा में इतनी सीटें लाएंगे, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद और नतीजे आने के बाद उसके ठीक अगले ही दिन अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में बैठक की और बैठक के बाद अब देख रहे हैं कि जमीन पर तमाम नेता उतर के 9 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम रखने की कवायद शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जो तमाम पदाधिकारी हैं वो एक दूसरे के घर जाकर चाय पे चर्चा का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो टिफिन कार्यक्रम का भी एक शुभारंभ करेंगे, जिसमें साथ बैठकर अपने दफ्तरों में, कार्यालयों में, कार्य क्षेत्रों में साथ बैठकर टिफिन खाएंगे। इससे साफ है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार एक अलग चाल के साथ चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि बात की जाए तो 9 साल में कहीं ना कहीं जो तमाम कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के अंदर में किए गए हैं इसको जाकर अब जनता को एक बार फिर से पुनरावृत्ति करवाते, यानी कि रिवाइज करवाते हुए नजर आएंगे। मनीष जी, विभांशु, कर्नाटक चुनाव में पराजय का सामना करने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आती दिखाई दे रही है,
इसी के बाद वो कंटिन्यू उसमें जो जिनको भी उनका खाका बनता नजर आ रहा है, जो भी प्रधान पीएम मोदी को लेकर उनके 9 साल के कार्यों को लेकर जनता तक पहुंचाने का जो भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कहीं इसी की ये रणनीति तो नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हम वो पार्टियां चीजें लूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमसे कमियां हो रही है, कहीं ना कहीं जनता हमारे कामों को नहीं समझ पा रही है, आखिर बीजेपी को ये स्टैंड लेने की जरूरत क्यों पड़ी? और इतनी तेजी से ये जो पदाधिकारियों के साथ मीटिंगें हो रही हैं प्रदेश भर में जा जाके, देश भर में जा जाके लोकसभा चुनाव इलेक्शन को लेकर जनता तक पहुंचने का जो कवायद शुरू कर दी गई है, कहीं इसी को लेकर तो बीजेपी एक्शन मोड में नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल मनीष जी, अगर आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हिमाचल में और कहीं ना कहीं कर्नाटक में बीजेपी को बुरी हार मिली, जिसके बाद कहीं माना जा रहा था कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। अगर बात की जाए तो देश के 11 राज्यों से यात्रा निकलकर 3,700 किलोमीटर का यात्रा की, जिसके बाद 2 जगहों पर कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई है और पूर्ण बहुमत के साथ। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल उत्तर प्रदेश से करना चाहती है, जिसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों वाले इस प्रदेश में बीजेपी अपने पूरी कार्यक्रमों को एक सूचीबद्ध तरीके से लगातार कर रही है और हर एक मोर्चे पर जो नेता तैनात हैं उनके दायित्व का चयन किया जा रहा है। अगर बात करें तो कर्नाटक और साथ ही साथ हिमाचल चुनाव विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो हार मिली है उसके बाद बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो लहर निकाय चुनाव में देखने को मिला है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक अलग तरह की जो कहा जाता है कि एक मोदी वेव है उसको कहीं ना कहीं कायम रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। देखने वाली बात यह होगी कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हौसले बढ़े हैं और कहीं ना कहीं देखें तो एक धार्मिक मोड़ पर भी कांग्रेस पार्टी आ गई है, क्योंकि अगर देखें तो हिमाचल में जहां एक तरफ वहां के कुल देवताओं के नाम लेकर तमाम नेता हिमाचल में प्रदेश का प्रचार करते हुए नजर आए, तो वहीं कर्नाटक में बजरंग बली के नामों के संबोधन के बाद से चुनावी मैदान में नेता उतरते हुए आए और नतीजों के बाद आपने देखा था कि कर्नाटक के अंदर में कहीं ना कहीं कांग्रेस दफ्तर के अंदर में जो एक सेकुलर पार्टी कही जाती है उस वो अब कहीं ना कहीं धार्मिक मोर भी एंगल लेते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी जो हाल फिलहाल में उस नतीजों में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है उसको कितना चुनौती के रूप में 2024 चुनाव में रख सकती है वो आने वाला समय बताएगा, मगर निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो इस बार का 2024 का चुनाव लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम क्षेत्रीय दल अपने तमाम दावे वादे कर रहे हैं और एक अलग तरह का समीकरण भी माना जा रहा है देखने को हो सकता है, क्योंकि बात करें तो बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कांग्रेस को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में भी कांग्रेस पार्टी एक कमजोर पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई, विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, मगर कांग्रेस देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या गठबंधन क्षेत्रीय दलों के साथ करती है वो आने वाला समय बताएगा। जी वांसु सही कह रहे हैं आप, कर्नाटक में अप्रत्याशित विजय सीट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस में एक नई जान भी फूकती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं समर्थन देने का एक हल्का सा विचार भी सामने नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो चाहे सपा हो चाहे वो BSP हो और कांग्रेस की प्रदेश में स्थिति की बात करें तो एक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है अब, क्योंकि कर्नाटक में बहुत ज़बरदस्त विजय कांग्रेस को प्राप्त हुई है। फिलहाल युवांशु आपको क्या लगता है कितने बड़ा खतरे के रूप में आप इस समय देखते हैं 2024 के लोकसभा को में चुनाव में बीजेपी के लिए ये क्षेत्रीय पार्टियों और जो कांग्रेस को? जी बिल्कुल, अगर निकाय चुनाव से जोड़ के देखा जाए मनीष जी तो आपने देखा AIMIM हो या आम आदमी पार्टी हो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आई, तो एक नए समीकरण की कवायद शुरू हो गई है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेगी। साथ ही आपको बताएं कि अब ममता बनर्जी के सुर बदल गए हैं तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव
के भी सुर बदलेंगे और आने वाले समय में राजनीतिक विश्लेषकों और पंडितों की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ साझेदारी करके लोकसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हुए थे, वहीं अगर बात की जाए तो 2019 से लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मोदी वेव को उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाए थे। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकना प्रमुख विपक्षी दलों का। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किस तरह के समीकरण के साथ विपक्षी दल चुनावी मैदान में होते हैं, क्योंकि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। जी हिमांशु, इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद कार्यक्रमों की तैयारियां और बैठकें तेज हो गई हैं। 9 साल में जो भी कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हुई हैं उन उपलब्धियों को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी आम जनता के पास जाएंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी देंगे और उनसे बीजेपी के लिए समर्थन की अपील भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम वाराणसी गोरखपुर मंडल के एकीकृत कार्यालयों में के संबंध में बैठक करेंगे। सीएम योगी अपने आवास पर भी बैठक करेंगे। एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी और इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास पर आज बैठक होने वाली है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत एमएलसी प्रत्याशियों की सूची में भी शामिल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं सीएम योगी। इस खबर पर संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने वाले हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ वाराणसी गोरखपुर मंडल के कार्यों की भी समीक्षा बैठक करेंगे, इसको लेकर ताज़ा जानकारी आपके पास क्या है? जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके बीजेपी के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अगर बात की जाए तो पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को बीजेपी ने अपना विधान परिषद उम्मीदवार बनाया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके आज नामांकन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम इनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर फिलहाल में बात की जाए अपडेट की तो बीजेपी कार्यालय पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं और कुछ ही पलों के अंदर बीजेपी के दोनों प्रत्याशी आज विधान परिषद में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें बीजेपी एक मजबूत स्थिति में अपने 2 प्रत्याशियों को उतारी है और वहीं आज अभी कुछ ही क्षणों के पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनके उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो मनीष जी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से राम जतन राजभर और राम कमल निर्मल को उम्मीदवार बनाया गया है और आने वाले 29 मई को उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होंगे। अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी अपने एक मजबूत स्थिति में विधान परिषद में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक आखिरी चुनौती होगी कि विधान परिषद में प्रमुख विपक्षी दल बन के उभरे, क्योंकि बात करें तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधान परिषद में हैं, जिसमें महज 9 सीटें ही समाजवादी पार्टी के पास है और अगर 1 सीट समाजवादी पार्टी जीतती है तो वो विपक्ष की कुर्सी पर कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। आपको बताएं कि इस चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल की निगाह
चौराहे हैं कि सपा क्या विपक्षी दल बन के उभरेगी या नहीं, वो 29 मई को चुनाव के बाद साफ हो पाएगा। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद आज अपने 5 कालिदास मार्ग आवास पर एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव में तैयारियों को लेकर कई प्रस्तुति भी वो सुनेंगे। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अगर देखें तो चुनावी अभियान में व्यस्त है। चाहे गोरखपुर मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ जो एकीकृत कार्यालय है वहां के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी जगहों पर मंडलों पर जुड़ेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जी विवांशु, सीएम योगी वाराणसी गोरखपुर मंडल के एक एक कार्यालयों के संबंध में भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं और अपने आवास पर भी बैठक करने वाले हैं। किन मुद्दों को लेकर या किस प्रकार की चर्चा इसमें होने वाली इन बैठकों में? जी अगर बात की जाए तो आज 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में सूबे के मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे। अगर बात की जाए तो वाराणसी और तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर अधिकारियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे कि कैसे कार्य जो तमाम योजनाएँ चल रही हैं उसकी प्रगति क्या है। साथ ही साथ आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर कई सारे ऐसे परियोजनाएं चल रहे हैं, साथ ही साथ 2024 से पहले इसे संपन्न करना है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज वाराणसी गोरखपुर और तमाम जगहों पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं से काम हो रही हैं उसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री मंडल स्तर पर जो अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है वो बैठक के बाद साफ हो पाएगा। जी मनीष जी विवांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए और इतनी ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उसमें समीक्षा बैठक भी करने के लिए पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, जिसमें वो आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और जो प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं रही हैं वो ज़मीनी स्तर पे कितनी लोगों को लाभ इसका मिल सका है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली और सरकारी संस्थानों में निजीकरण को बंद करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी और शिक्षक आज नगर निगम मुख्यालय पर धरना करेंगे। धरना देकर कर्मचारी और शिक्षक डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने राजधानी समेत सभी जनपदों में धरना देने का कार्यक्रम घोषित किया है। संयुक्त मोर्चा के लखनऊ अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को नगर निगम महासंघ कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि बैठक में विभिन्न मुद्दों विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर महासचिव शशि मिश्रा ने बताया कि सभी जनपदों में कर्मचारी आंदोलन के लिए तैयार हैं। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 12 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा का धरना जारी है, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, राजधानी समेत कई जनपदों में धरना देने का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। संयुक्त मोर्चा ने लखनऊ के अध्यक्ष ने बताया है कि बुधवार को नगर निगम महासभा कार्यालय की में समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय भी लिया जाएगा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर आगे चर्चाएं होंगी और डीएम को भी इसका ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मुद्दे दिए जा सकें। ये पूरा क्या मामला है और क्या कैसे इसका निस्तारण की संभावनाएं लगती हैं आपको? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के ये मुद्दा गर्म होता रहा है और इसका ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी बना है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो सरकारी पेंशन है, क्योंकि ये सरकारी पेंशनों को लेकर के जिस तरीके से बंदी की जा रही थी उसको लेकर उसकी बहाली को लेकर के लगातार जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना विरोध भी दिखा रहे थे, क्योंकि जो पेंशन कही जाती है जो सरकारी कर्मचारी हैं ये पेंशन इसलिए होती है क्योंकि ये उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है, क्योंकि बुढ़ापे में ये जो पेंशन आती है उससे ये अपना घर बार चलाते हैं, अपना परिवार पालते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुरानी पेंशन बंद करने की बात कही गई थी तो इसको लेकर के लगातार राजनीतिक दल भी
कई बार समर्थन में आए थे और इसको बात अगर पुरानी पेंशन की बात की जाए तो पुरानी पेंशन को लेकर के जिस तरीके से कई बार अपना विरोध भी सरकारी कर्मचारी दिखा चुके हैं और एक बड़ा आंदोलन भी दिखाए थे, जिसके बाद नगर निगम के साथ साथ कई ऐसी संस्थाएं थी सरकारी, वो लोग भी विरोध में सड़कों पर आए थे, लेकिन ये मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो गया था। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा गर्म हो रहा है पुरानी पेंशन, क्योंकि इस मांग को लेकर के आज नगर निगम मुख्यालय पर जो बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने वाली बात थी कि बड़ा विरोध प्रदर्शन दिया जाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से ये पुरानी पेंशन की बात आ रही, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के समय से ही लगातार इसका मुद्दा गर्म होता रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए पुरानी पेंशन को लेकर के, तो पुरानी पेंशन एक राजनीतिक मुद्दा यूं बनता जाता है, क्योंकि पुरानी पेंशन को लेकर के लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार मुद्दा उठा रही थी और इसको लेकर के लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था, जिसके बाद कई बार ये देखा गया था कि काम बहाली काम का जो बहिष्कार कर दिया गया था, लोग सड़कों पर थे, लोग अपने कार्यालय के बाहर घंटों बैठे रहते थे, जिसको लेकर आम जनमानस को काफ़ी समस्या होती थी। फिर चाहे बिजली विभाग की बात की जाए या फिर नगर निगम कर्मचारियों की बात की जाए या फिर जो अन्य संस्थान है उनकी बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी संस्थान थे उनको निजीकरण करने की जो मांग उठ रही थी, निजीकरण करने की बात उठ रही थी, उसको लेकर के लगातार विरोध भी किया जा रहा था। लेकिन इस विरोध के बीच जो सरकारी संस्थाएं थी वो लोग अपनी सूत्रीय मांग को लेकर के लगातार ज्ञापन देकर सरकार से मांग कर रही थी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, लेकिन इस पर कुछ खास जो है उनको समाधान नहीं हो रहा था। इसी बीच एक बार फिर से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और आज नगर निगम मुख्यालय पर जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की बात थी। लेकिन जिस तरीके से बहाली की बात की जाए, तो क्या इस बहाली का जो मुद्दा है, क्या ये इस मुद्दे पर सरकार कुछ ध्यान देगी या फिर पुरानी एक पुरानी की तरह जिस तरीके पहले भी विरोध होता था लेकिन सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज करती थी, क्या उसी तरह इस बार भी नज़रअंदाज करेगी या फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और नज़दीक है उसको लेकर के क्या राजनीतिक पार्टियां भी इस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मुद्दा बनाएंगी, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। मनीष जी, कलीम, कहीं ना कहीं ये पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि पुरानी पेंशन एक ऐसा एक आधार है जिससे कि एक उम्र के बाद या रिटायरमेंट होने के बाद जो लोगों का सहारा बनता है, और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहेगा कि पुरानी पेंशन बहाली ना हो। हर कोई यही चाहता है कि पुरानी पेंशन जो है उसे बहाल किया जाए। और सरकारी संस्थानों की जहां तक बात की जा रही निजीकरण की, इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि सरकार आखिर संस्थानों का निजीकरण क्यों होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए, जिस तरीके से सरकारी संस्थाएं जो निजीकरण करने की बात जो सामने आ रही थी, क्योंकि लगातार अक्सर ये भी देखा जा रहा था कि जो सरकारी संस्थान में लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी होती थी उन सैलरी के आधार पर वो लोग काम करते नजर नहीं आ रहे थे। लगातार जो लोग आते थे वो अपनी समस्या उनका समाधान नहीं पा रहे थे, इसको लेकर के लगातार निराशा भी आ रही थी। लेकिन इसके बाद से जब इन संस्थाओं को निजीकरण करने की बात की गई थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था जितनी सैलरी उनको दी जाती थी जो सरकारी कर्मचारी, उनसे कम सैलरी पर जो निजी संस्थान है वो लोग इससे बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब मांगों को लेकर के लगातार ये मुद्दा भी उठा था, जिसके बाद निजीकरण करने की बात कही गई थी, तभी से सरकारी जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज कराना शुरू कर दिया था और इस विरोध के बाद एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला था। फिलहाल ये मुद्दा उस समय जो है जिस तरीके से गरमाया था लेकिन फिर ठंडा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है तो ये जो मुद्दा है पेंशन बहाली को लेकर के ये एक बार फिर से गरमाता जा रहा है, क्योंकि वजह है पुरानी पेंशन बहाली का, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं फिर वो किसी भी विभाग की बात की है, क्योंकि जब रिटायर होते हैं रिटायर होने के बाद वही उनकी जो पेंशन होती है वही उनकी एक रोजगार की बात की जाए जिससे वो अपना परिवार पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब वो पेंशन ही नहीं रहेगी निजीकरण में वो चली जाएगी तो फिर आखिर ये लोग जो पेंशन उठाते हैं पेंशन से अपना घर बार चलाते हैं तो वो इन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या भी बन रही थी, इसको लेकर के लगातार अब फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या ये जो निजीकरण की जो बात आ रही थी पुरानी पेंशन बंद करने की बात आई थी, इसको बहाली की जो बात अब आ रही है, क्या सरकार इस पर जो है कुछ निगाह दौड़ाएगी या फिर इसको नज़रअंदाज करेगी? और अगर नज़रअंदाज करती है तो इसको लेकर के भी जो संस्थाएं वो लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या इसको लेकर के संज्ञान लिया जाएगा सरकार के द्वारा? ये भी एक लोगों के बीच सवाल बना हुआ है, क्या आखिर इस पर क्या कुछ समाधान होगा? फिलहाल जो इनकी सूत्रीय मांगे, इन मांगों को लेकर के DM समेत कई बार कई बड़े अधिकारियों नेताओं और राज्यपाल तक की इसका ज्ञापन जा चुका है, लेकिन इसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकला था। लेकिन एक बार जब फिर से यह मुद्दा उठा है, क्या इस मुद्दे पर इस बार कुछ संज्ञान होगा या फिर ये भी उसी तरीके से नज़रअंदाज होगा, यह इसी पर लोगों की निगाह बनी हुई है। लेकिन अगर क्या नज़रअंदाज किया जाएगा तो क्या इस पर जिस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है सरकारी कर्मचारियों की, जो एक बड़ा आंदोलन करने की बात की जा रही है, क्या ये लोग सड़कों पर उतरेंगे इस पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के? और इसी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अगर राजनीतिक मुद्दा बनता है तो राजनीतिक मुद्दे में आखिर किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी।
कलीम, जाहिर सी बात है जब भी चुनाव आने की बारी होती है तो उसी के साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे उठने लगते हैं। उसी में उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के राजधानी समेत सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन देने की घोषणा भी कर चुकी है और कहीं ना कहीं अब ये जो क्षेत्रीय दल जो हैं इस मुद्दे को उठा के बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी शायद क्या आपको बनता नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये जो मुद्दा उठ रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, जैसा कि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि बिजली बाधित हो गई थी, लोगों को समस्याएं हो रही थी, इसको लेकर के जिस तरीके निजीकरण करने की बात हुई थी उसको लेकर के लगातार विरोध किया गया था। इस मामले में कई जगहों पर FIR भी दर्ज की गई थी। FIR दर्ज होने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने उनको अपना समर्थन भी दिया था, जिस तरीके से विरोध हो रहा था। इस विरोध के बाद आखिरकार सरकार झुकी थी और जो कर्मचारी थे उनको मनाया गया था और फिर इस जो बहाली की बात किया इस पर कहा गया था कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन इस तरीके से कोई भी समाधान नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से जो नगर निगम के कर्मचारी उन लोगों ने आवाज़ उठाई, क्या इस आवाज़ उठाने के बाद जिस तरीके से राजनीति मुद्दे की बात आ रही है जो और भी अलग संस्थाएं हैं वो भी अपना समर्थन इस मामले पर देंगी, या फिर क्योंकि जिस तरीके से बिजली विभाग ने अपना विरोध दर्ज कराया था उसके बाद जलकल विभाग ने भी अपना समर्थन दिया था, कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से ये मुद्दा बहाली का उठ रहा है इस बार भी लोग एकजुट होते हैं या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसको एक मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि अगर ये मुद्दा बनेगा तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा और जो पार्टी है वो आखिर लोकसभा चुनाव में फिर इसका फायदा कौन उठाएगा इस पर भी एक लोगों की निगाह बनी रहेगी और लोगों के बीच सवाल भी बना रहेगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। जी कलीम, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताया कर्मचारी शिक्षक संघ मोर्चा का धरना प्रदर्शन जारी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, 12 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा का धरना जारी रहेगा। ये आपको बता दें पुरानी पेंशन एक अहम पेंशन योजना है जिसकी वजह से अगर वो बहाल होती है तो आने वाले समय में कर्मचारियों को एक समय बाद अपनी जीवन यार्जन के लिए एक अच्छा व्यवस्था बन जाती है, जिस वजह से उनको इसका ज्ञान। अभी परिषद में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार है और कल मामले में सुनवाई होगी और फैसला आएगा। आपको बता दें कथित शिवलिंग में साइंटिफिक सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब ये सर्वे वृहद पैमाने पे किया जाएगा। पहले भी इसका काफ़ी सर्वे किया जा चुका है और उस पर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जा चुका है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला अब कथित तौर पर शिवलिंग के लिए एक बड़ा रूप लेता नजर आया, जिसमें लोगों ने अपील की थी। उस अपील के तहत ही अब मुस्लिम पक्ष के वकील ने जल्द ही सुनवाई की मांग इस पर की है। इस खबर पर संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, कथित शिवलिंग में साइंटिफिक सर्वे का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद में फैसले को चुनौती दे दी है। पूरा क्या मामला है ये, अब आगे आपको क्या निष्कर्ष इसमें निकलता नजर आ रहा है? मनीष जी, आपको बता दें कि इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है वो माननीय कोर्ट तय करेंगे। अगर बात की जाए अपडेट की तो फिलहाल में अगर देखें तो आपने देखा था कि बीते दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद का या मंदिर परिषद का कहीं ना कहीं ASI के द्वारा सर्वे की स्वीकृति मिली और पूरी तरह से जो कथित तौर पर वजूखाना है जहाँ शिवलिंग होने की दावे की जा रही है वहाँ के साथ साथ मंदिर परिषद की दीवार से लेकर और हर एक नक्काशियों की ASI के द्वारा सर्वे किया जाएगा, जिसमें साफ तौर से जो मंदिर है या मस्जिद है इस पर पूरी तरह से सर्वे के बाद कहीं ना कहीं कहना साफ होगा। अगर बात करें मनीष जी तो इस मामले को लेकर अब बात करें तो 23 तारीख को ASI सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद 23 तारीख को
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी यानी कि जिला अदालत वाराणसी की तरफ से इस मामले में आगे की हियरिंग होगी। उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो ASI की जो स्वीकृति मिली है सर्वे को लेकर, इसको चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष के पास कल आखिरी तिथि है। आपको बता दें कि 19 तारीख को मुस्लिम पक्ष के जो तमाम जिम्मेदार हैं उनको इस मामले को लेकर चुनौती देने के लिए 19 तारीख की डेट तय किया गया था, जिसमें मामले को चुनौती दे सकते हैं। अब ये मामला कहीं ना कहीं जो इंतजाम अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी के जो तमाम जिम्मेदार हैं वो अब इस मामले को लेकर सुप्रीम देश के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर रिट दायर किए हैं, और आने वाले समय में जहां ये मामला पूरी तरह से जिला अदालत में चल रहा है, अब ये मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। अब माननीय कोर्ट को तय करना होगा तमाम आधारों पर कि आखिर इसमें जो हिंदू पक्ष की तरफ से अपील की जा रही है, वादिनियों की तरफ से जिनके आधार पर ये केस की शुरुआत की गई है, उनका साफ तौर से जो कहना है कि हमें साल में एक दिन गौरी श्रृंगार मंदिर जाने की अनुमति मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद के अंदर में है, और उनका साफ तौर पर कहना है, वो माननीय कोर्ट से ये आग्रह कर रही हैं कि हमें हर दिन पूजा का अधिकार मिले। और साथ ही आपको बताएं कि उसी दौरान आपने देखा था कि वजू खाने के अंदर में शिवलिंग हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि शिवलिंग है, वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि फुहारा है, जिसके बाद आपको बताया कि ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट जांच के बाद तय करेगा कि इसमें क्या आखिर हकीकत है। आपको बताया मनीष जी, अगर बात की जाए तो आपने देखा था कि ज्ञानव्यापी परिसर को पूरी हाई सिक्योर जोन बनाकर और हर एक कमरे की दीवारों की वीडियोग्राफी कराई गई थी, जिसको कोर्ट में सबूत के तौर पर आधार बनाकर पेश किया गया है। उसके ठीक बाद किसी तरह की अनैतिक गतिविधि ना हो, जिसको लेकर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद को लगभग एक सालों से लगातार पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। अब बात करें तो इस मामले को लेकर जहां 23 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हियरिंग करेंगे, तो वहीं अब आने वाले समय में इस मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की गई है उसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी अपना कहीं ना कहीं रुख अपनाएगा। जी मनीष जी, हिमांशु, उस खबर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कटी शिवलिंग में साइंटिफिक सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती भी दे दी है। मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग भी इस पर कर डाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार है और कल सुनवाई भी इसकी होनी है। लखनऊ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खालिस्तानी आर्म्स और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर NIA ने बुधवार को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत लखनऊ समेत UP के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। लखनऊ में अयोध्या और हिस्ट्री सीटर और भाजपा नेता विकास सिंह के ठिकानों पर भी NIA की टीम ने छापेमारी की है। हालांकि इस दौरान विकास सिंह का लखनऊ स्थित फ्लैट बंद मिला। वहीं अयोध्या में विकास सिंह के आवास पर छापा मारकर उससे कई घंटे तक पूछताछ की गई। इसके अलावा अमेठी में एक खालिस्तानी समर्थक को भी हिरासत में लिया गया है। बता दें कि NIA ने पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर यह ऑपरेशन को अंजाम दिया था। आपको लखनऊ में NIA ने लगातार पूरे प्रदेश भर में छापेमारी की है। लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। विकास सिंह के गुमते आवास पर भी छापेमारी की गई है। हालांकि वो बंद मिला था, उसके बाद उन्होंने अयोध्या आवास पर भी छापेमारी करके उनसे पूछताछ करी है। लखनऊ समेत कई जिलों में भी छापेमारी लगातार जारी है। इस खबर पर संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। लखनऊ अयोध्या में हिस्ट्री सीटर और भाजपा नेता विकास सिंह के ठिकानों पर भी NIA ने टीम ने छापेमारी की है। हालांकि विकास सिंह अपने फ्लैट पर नहीं मिले थे, उसके बाद अयोध्या स्थित लोकेशन पर जाके उन्होंने उनसे गहन पूछताछ करी है। आखिर खालिस्तानी का इस तरह से नाम इसमें बराबर इन अपराधों में आना, उसके बाद NIA की टीम का छापेमारी का दौर बराबर जारी होना, ये पूरा क्या मामला है और क्या निकल के इसमें आ रहा है और क्या आने वाली समय में क्या इस पर कार्रवाई हो सकती है?
देखिए मनीष जी, इसमें हम आपको एक पहली कड़ी आपको बताएंगे, लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि ये जो कड़ी जुड़ रही है पूरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम है, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अपना काम करता है सोशल अकाउंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जिस तरीके से युवाओं को अपने तरफ जोड़ता है, उसी के कड़ी में जो विकास सिंह है इनका भी नाम जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये भी लगातार जो इनके ऊपर कहा जा रहा है कि ड्रग्स सप्लाई हो या फिर हथियार सप्लाई हो या फिर जो सीरियल किलिंग का मामला हो, यानी कि इन तरह के जो मामले हैं, इन्हीं सभी मामलों को लेकर के एनआईए की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, क्योंकि जो इसके गैंग के लोग थे, गिरोह के लोग थे, चाहे वो फिर बात की जाए यूपी के दिल्ली एनसीआर की या फिर हरियाणा की या फिर पंजाब की या फिर राजधानी लखनऊ की समेत कई ऐसे 100 ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम लगातार रेड कर रही थी। इसी रेड के दौरान उसको जिस तरीके से विकास सिंह की जो जानकारी लगी थी उसको लेकर के राजधानी लखनऊ में भी छापेमारी की गई थी, लेकिन विकास जो है वो अपने फ्लैट पर नहीं मिला था, जिसके बाद जो इनपुट जुटाए जा रहे थे कि विकास सिंह अयोध्या में हो सकता है, तो अयोध्या में भी जो छापेमारी की गई लेकिन किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली थी। फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो खालिस्तानी और जो गैंगस्टर हैं इन सभी को लेकर के पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो सवाल उठता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक बड़ा नाम लोगों के बीच बना हुआ है, क्योंकि ये युवाओं की एक जिस तरीके की बात की जाए कि युवा उससे प्रेरित होकर उस तक पहुंचते थे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का एक जो नाम उन लोगों के बीच आया था वो इसलिए आया था कि लॉरेंस हर कोई जो अपराध करता है उसको छुपाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो भी अपराध किया गया वो अपने सोशल अकाउंट पर बाकायदा शेयर किया गया था और इसका नेटवर्क पूरा इंटरनेशनल तक ही पहुंचता जा रहा था। फिर बात की जाए चाहे लॉरेंस बिश्नोई की सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात की जाए या फिर अतीक और अशरफ की हत्याकांड की बात की जाए या फिर तिहाड़ जेल में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, इन सभी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरीके से अपने सोशल अकाउंट के जरिए ली थी, तो इसको लेकर के एक लगातार जो एनआईए की टीम है छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इसके गैंग के जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो लगातार ड्रग्स की सप्लाई है, हथियारों की सप्लाई है, इन सभी का जो जखीरा था ये कैसे लोगों तक पहुंचाते थे, इन सभी को लेकर के जो है लगातार एनआईए की टीम काम कर रही थी। लेकिन इसमें एक बड़ी ये बात ये कही जा रही है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर पूरा नेटवर्क जो चला रहा है, पूरे नेटवर्क में जिस तरीके से लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है किस तरीके से काम करना है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो प्रदेश हैं, जो जिले हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार इसके इशारे पर काम किया जाता है और लगातार सभी लोगों को जो इशारा दिया जाता है उसमें बड़ी बात यह है कि कभी लॉरेंस बिश्नोई उनसे खुद सामना नहीं करता था, वो बाकायदा फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी के जरिए उनको जो है इनपुट मिलते थे और उन्हीं के आधारों पर ये लोग अपना काम करके हथियारों को जहां से उठाना होता था वहां से हथियार ले करके लगातार अपनी घटनाओं को अंजाम देकर उसी जगह हथियार वापस कर दिए जाते थे। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम हाल ही की बात कर रहे हैं 15 अप्रैल की, जिस तरीके से अशरफ और अतीक के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ये जो शूटर थे ये कोई शूटर अभी हाल ही में बने, क्योंकि ये पहले जो थे ये छुटपुट घटनाएं करते थे, लेकिन जिस तरीके से इनके पास जिकाना पिस्टल मिली थी, क्योंकि जिकाना पिस्टल का बताया जाता है कि जो विदेशी हथियार जो होते थे वो लॉरेंस बिश्नोई के पास पाए जाते थे, क्योंकि जिकाना पिस्टल का ही इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला यानी कि पंजाब में जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसमें इसी जिकाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, यही पिस्टल जो है इस्तेमाल हुई है अतीक और अशरफ हत्याकांड में। फिलहाल जिस तरीके से इसका जो पूरा नेटवर्क है, क्योंकि इस नेटवर्क में जिस तरीके से जो तार गोल्डी बरार तक की जुड़े थे, नोएडा जो बात करें कनाडा का गोल्डी बरार है वो हो गया और राणा हो गया, ये सभी एक बड़े माफिया और गैंगस्टर रहे हैं, इन सभी से जो इसके तार थे उन सभी तारों को लेकर के जो गैंगस्टर के सहयोगी रहे या जो इनके सीरियल किलर है या जो शूटर रहे इन सभी पर एक शिकंजा कसने की जो तैयारी हो रही है उसी चीज़ को लेकर के एनआईए की टीम लगातार अपनी छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी इस छापेमारी में क्या कुछ सफलता मिली है इस पर कुछ खास ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम ये लगातार जो रेड कर रही है इस रेड को एक बड़ा जो नेटवर्क है उसको भी तोड़ने की तैयारी में। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को किस तरीके से एनआईए की टीम तोड़ेगी, या फिर जो विकास सिंह की बात की जाए जिस तरीके से वो लोगों की सुपारी लेकर हत्याएं करता था, ड्रग्स की सप्लाई करता था, हथियारों की सप्लाई करता था, इन सभी पर कैसे आखिर एनआईए की टीम लगाम लगाएगी, क्योंकि ये एक अभी फरार है, क्योंकि ये अगर जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो आखिर इस नेटवर्क का और जो कड़ी है वो कड़ियाँ कैसे जुड़ेंगी। फिलहाल एनआईए की टीम तो छापेमारी में कई गैंगों के लोग को गिरफ्तार करने की बात भी कर रही है या फिर जो उनसे जुड़े नेटवर्क है उसको तोड़ने की बात कर रही है, क्या इसमें एनआईए की टीम को सफलता मिल पाएगी, ये लोगों के बीच सवाल लगातार बना हुआ है। करीम, भाजपा नेता विकास सिंह के ठिकानों पर भी एनआईए ने टीम ने छापा मारा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास आई है, क्योंकि भाजपा नेता का नाम इसमें जुड़ा है।
देखिए भाजपा नेता का जिस तरीके से नाम जुड़ा हुआ है तो फिलहाल अभी इस मामले में तो कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ बात ये जरूर कही जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का लगातार आरोप प्रत्यारोप उठता है तो राजनीतिक पार्टी की भी एक तरीके से बात की जाए जो विपक्षी पार्टियां वो भी इसको इस मुद्दे को गरमा सकती हैं क्योंकि बीजेपी का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, वो भी एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि एनआईए की टीम ने जिस तरीके से छापेमारी की है वो बीजेपी से जुड़े हुए नेता के घर पर छापेमारी की, लेकिन वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन फरार होने के साथ साथ जिस तरीके से छापेमारी उसकी एनआईए की टीम की लगातार जारी है। फिर अयोध्या की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए या फिर लखनऊ से सटे कुछ और भी जिले हैं वहाँ पर छापेमारी की बात की जाए, लेकिन अभी तक एनआईए की टीम को किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियाँ इस मुद्दे को काफ़ी गर्मा सकती हैं और लोकसभा जो चुनाव की बात की जाए उसमें भी काफ़ी इस मुद्दे को विपक्षी पार्टियां उठाएंगी, लेकिन सवाल अभी भी लोगों के बीच यही है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से विकास सिंह का कनेक्शन क्या है, क्योंकि जो कनेक्शन अभी तक सामने आया है वो ड्रग्स सप्लाई, हथियारों की सप्लाई प्लस सुपारी लेकर हत्याएं करना, क्योंकि ये जो आरोप हैं ये आरोप बड़े आरोप हैं और इसको लेकर के जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो इसका पर्दाफाश भी नहीं होगा फिलहाल। और इस समय जो बड़ी बात है कि जो कहा जा रहा है कि जेलों से बैठकर जो नेटवर्क गैंगस्टर और माफिया चला रहे हैं उसका भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सबूत है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में होने के बावजूद कैसे अपने गिरोह के लोगों को नेटवर्क चलाने के साथ साथ उनको इशारे देता है कि इस तरीके की घटनाओं को करना है, घटनाओं को अंजाम देने के बाद बड़ी ही आसानी से सभी फरार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सभी ज़्यादातर युवा जो वर्ग के लोग हैं वो शामिल है, क्योंकि इसकी जो बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई की, क्योंकि कॉलेज के समय से ही लगातार युवाओं को ये प्रेरित करता था और युवाओं को अपने गिरोह में जोड़ता था, और जो सप्लाइयों की बात की जाए, हथियारों की सप्लाइयों की बात की जाए, उसने भी लगातार ये सामने आकर के बातचीत नहीं करता था, लगातार इसके जो गुर्गे थे या इसके जो सहयोगी थे वो लोग पहुंचते थे और दिशा निर्देश केवल ये सोशल अकाउंट के जरिए दे रहा था। लेकिन जो बात बनी हुई है इस समय बीजेपी से जुड़े हुए नेता विकास सिंह के, तो विकास सिंह को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी इसका मुद्दा गर्म करके एक सरकार पर निशाना साधेंगी, और दूसरी बात क्या एनआईए की टीम को विकास सिंह की गिरफ्तारी में सफलता मिलेगी, और अगर सफलता मिलती है तो इसके बाद कौन सा नेटवर्क आखिर खुलेगा या कौन से नेटवर्क का पर्दाफाश होगा और इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या उसका भी पर्दा उठेगा। जी करीम, इस खबर पर अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि लखनऊ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खालिस्तानी आर्म्स और ड्रग कनेक्शन को लेकर एनआईए ने बुधवार को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लखनऊ और अयोध्या में हिस्ट्री सीटर और भाजपा नेता विकास सिंह के ठिकानों पर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। हालांकि इस दौरान विकास सिंह का लखनऊ स्थित फ्लैट बंद मिला, वहीं अयोध्या में विकास सिंह के आवास पर छापा मारकर उसने कई घंटे तक उनसे पूछताछ भी की गई। इसके अलावा अमेठी में एक खालिस्तानी समर्थक को भी हिरासत में लिया गया। बता दें कि एनआईए की ने पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।